और चलिए बात उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की कर लेते हैं। बता दें कि यहाँ पर सहारनपुर में सोने चांदी के आभूषण बनाने के नाम पर ठगी करने वाले 25,000 के इनामी अभियुक्त को सहारनपुर पुलिस ने 14 साल के बाद महाराष्ट्र मुंबई से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर पुलिस की तरफ से चलाए जा रहे वांछित अभियुक्तों के खिलाफ धरपकड़ अभियान के तहत इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सहारनपुर पुलिस की तरफ से 25,000 के इनामी अभियुक्त को महाराष्ट्र मुंबई से गिरफ्तार किया गया है। साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है साल 2009 से अपनी पहचान छुपाकर पश्चिम बंगाल में छिपा हुआ था। शातिर अभियुक्त के खिलाफ इस तरह से इस बड़ी कार्रवाई को अमल में लाया गया। कोतवाली नगर टीम ने पकड़ा है इसको, और ये काफ़ी टाइम से अपनी लोकेशन बदल रहा था। परमानेंट रेसिडेंट ये वेस्ट बंगाल का था। इतने टाइम से हमारे पास टिप मिल रही थी कि वेस्ट बंगाल में हुगली डिस्ट्रिक्ट में एक नाबितपुर गांव है, वहाँ पे रह रहा है। इससे पहले भी एक बार टीम जा चुकी है, वो भी रेड अनसक्सेसफुल रही थी, क्योंकि इसको किसी जब भी हमारी टीम वेस्ट बंगाल पहुँचती थी इसको कहीं ना कहीं से खबर लगती थी और ये वहाँ से हट जाता था। लेकिन इस बार टीम परसिस्टेंटली इसके पीछे लगी रही। पहले वेस्ट बंगाल की जब हमारी जब रेड अनसक्सेसफुल हुई तो उसके पीछे हमने इसको मुंबई तक परस्यू किया, मुंबई तक चेस किया, और महाराष्ट्र पुलिस के अच्छे लोकल सपोर्ट की वजह रहते हुए यह टीम ने इसमें सफलता हासिल करी।